हेलो एवरीवन। तो हमने जो शुरू किया हुआ ये फ्री कोर्स ऑन वैदिक मैथमेटिक्स, तो उसके लेक्चर वन में हम लोग निखिलम सूत्र से शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग निखिलम सूत्र की बात करेंगे तो उसके पहले थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं जो वैदिक सिस्टम कहता है हमारा। अकॉर्डिंग टू द वैदिक सिस्टम द मल्टीप्लीकेशन टेबल्स आर नॉट रियली रिक्वायर्ड अबव 5 × 5, मतलब 5 × 5 की बात करेंगे। इसका एक सिंपल मतलब है कि भाई अगर हम लोग 5 × 5 तक हमें अगर याद है टेबल तो कोई परेशानी है नहीं। जितने भी मेथड्स हैं हमारे पास जो अभी हम लोग सीखेंगे धीमे धीमे करके निखिलम में, वो सारी चीज़ें आप थोड़ा इम्प्रोवाइज करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और सबसे फ़ायदा ये है कि हमें पता होगा कि ये जो हम लोग लिखते हैं कि भाई 6 × 6 36, ये होता क्यों है। और डेफिनेटली हमारा वो जो हमारी जो स्पीड है वो तो फास्ट होनी ही होनी है, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि भाई निखिलम जो सूत्र है, इट गोज लाइक निखिलम नव तश्चर्मम दशता। अगर इसके लिटरल ट्रांसलेशन पे जाएं, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10, तो आपको बहुत संस्कृत और इस स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है समझने के लिए। मैं सारे मेथड्स बताता जाऊंगा तो आपको समझ आता जाएगा और ये स्टेटमेंट, ये जो सूत्र है, ये भी जस्टिफाइड होता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, अभी ये मत सोचिएगा कि 9 × 6 तो हमें याद है। 9 × 6 हमें पता है क्या होता है भाई। हमने जैसा बताया कि जो वैदिक सिस्टम कहता है कि वो 5 × 5 से ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्यों कहता है। और यहाँ से धीमे धीमे वो सारे पॉइंट समझ जाएंगे जो हमारे काम किए। वे 98 × 93 एक सेकंड में कैसे आंसर लेके आओगे, या 2-3 सेकंड्स में कैसे लेके आओगे। तो वो सारे जो ऑपरेशंस हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के, वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस सूत्र बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे 9 × 6 हमें मल्टीप्लाई करना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस सूत्रा जो मेथड आता है वो क्या आता है कि आप इसको ऐसा समझिए, सीधे सॉल्यूशन पे जाते हैं। 9 × 6 = 54 होता है। हमें क्या करना है, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लायर एज वेल एज मल्टीप्लिकेंड दोनों को एक साथ हमने रख दिया वर्टिकल लाइन पे, जैसा यहाँ पे आपको दिख रहा है ये। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो भी दीज टू नंबर्स आर वेरी क्लोज टू बेस ऑफ 10। एंड व्हाट इज बेस, अगर हम लोग बेस की बात करें तो ये क्या होता है, पावर ऑफ 10 विच इज नियरेस्ट टू द नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड। यहाँ पे बेस का मतलब क्या हुआ समझ आ रहा है, वो हमेशा 10 का पावर होगा, 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से। और वो क्या होगा, विच इज नियरेस्ट टू द नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड, जिनको मल्टीप्लाई करना है उसके सबसे पास क्या होगा। तो अगर हम देखें कि भाई वी हैव दीज टू नंबर्स 9 और 6, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों ही 10 बेस के पास है। तो हमने लिख दिया 10 यहाँ पे बेस वाले बॉक्स में। ये बॉक्स आपको उधर बनाना नहीं है, समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है उसमें और बेस में डिफरेंस कितना है, वो डिफिशियंसी लिखनी है। तो अगर हम लोग 9 की बात करते हैं तो द डिफरेंस बिटवीन 10 और 9, द ऑप्टेड बेस एंड द नंबर इज 1, जो हमने लिख दिया यहाँ पे। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जिसको 9 को जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इट इज 6। तो 6 और 10 में डिफरेंस क्या है, इट इज 4। ये 1 कैसे लिखा, 10 − 9 ऑप्टेड बेस माइनस दैट नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना है। 4 कैसे आया, 10 − 6, ये लिख दिया। अब ये आंसर होता है 54, आंसर है 9 × 6। तो ये कैसे आया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैसे आया भाई। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ग्रीन बॉक्स राइट हैंड साइड पे जो है, ये जो दो डिफिशियंसीज थी उनको मल्टीप्लाई करना है, जस्ट मल्टीप्लाई दैम टू 4 × 1, वी विल गेट 4, हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम लोगों के लेफ्ट हैंड साइड पे जो आंसर का डिजिट है वो 5, वो कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, क्रॉस सब्ट्रैक्शन, क्रॉस सब्ट्रैक्शन कैसे, लाइक दिस, 9 − 4 वी आर गेटिंग 5। अगर आप इधर से करोगे 6 − 1, अगेन यू विल गेट द सेम डिजिट, लाइक इन दिस सिचुएशन इट इज 5, 6 − 1 अगेन विल गेट 5, तो 54 इट इज द आंसर। तो ये बहुत आसान था, मतलब ये हमें याद होता था, लेकिन मेथड समझने के लिए 1 डिजिट से शुरू करना बहुत जरूरी था। नाउ सी दिस एग्जांपल, अगर यहाँ पे कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 6 by 7, 6 × 7 करना है, अगेन आंसर पे जाते हैं। अब देखो, 6 और 7 बोथ आर वेरी क्लोज टू दिस बेस, 10 के क्लोज है। अब क्या करना है, 10 में और 6 में डिफरेंस डिफिशियंसी लिखनी है, इट इज 4। फिर 10 और 7 डिफिशियंसी लिखनी है, इट इज 3।
और इन दोनों डेफिशिएंसीज को मल्टीप्लाई करना है वर्टिकली, तो 4 × 3 कितना होगा 12। यहाँ पे बस याद रखना है, सिंस वी आर वर्किंग विद द बेस ऑफ 10, वी हैव ओनली 1 0 इन दिस बेस, तो हमारे फर्स्ट स्टेप के बाद मतलब ग्रीन बॉक्स में एक ही डिजिट होना चाहिए, लेकिन आंसर के तौर पे क्या आ रहा है 12, देयर आर टू डिजिट्स ना, तो हमने 1 लिख दिया और 1 को कैरी करा दिया जैसा करते हैं एज यूजुअल। ठीक है, लास्ट केस में हमने क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहां पे एक ही सिंगल आ रहा था, है ना। नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है, क्रॉस सबट्रैक्शन 6 - 3 और 7 - 4, इन बोथ केसेस यू विल गेट 3 और 1 जो कैरी हुआ था 3 + 1 = 4, देन 42 वी हैव द आंसर। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, जिनको मल्टीप्लाई करना है उसके नियरेस्ट 10 वाले पावर को ढूंढना है जो कि बेस कहलाएगा, और उसके बाद जो सारे नंबर्स जिनके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है जिनको, उनके साथ उनकी डिफिशियंसी लिखनी है इस तरह से। अब हम लोग आते हैं 2 डिजिट के नंबर को लेते हैं। अगर हम लोग 2 डिजिट के नंबर्स की बात करें तो अब हमारे पास 92 और 93, ये मान लो इसको सॉल्व करना है 92 × 93। अब हम लोग देखेंगे दीज टू नंबर्स आर क्लोज टू 100, नॉट 10, नियरेस्ट 10 वाले बेस को पकड़ना है, नियरेस्ट 10 वाले वो पावर को पकड़ना है जो कि बेस बनेगा। फिर से इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, आंसर 8556 कैसे आया, 100 बेस, द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टेड बेस एंड दिस नंबर इज 8, हमने 8 लिख दिया यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन 93 एंड द ऑप्टेड बेस इज 7, 100 - 93, अगर आप 100 - 93 करोगे विल गेट 7, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या था, जो डेफिशिएंसीज थी उनको मल्टीप्लाई करना होता था, याद है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन जिसको कहते हैं, तो 8 × 7 विल गेट 56, हमने 56 लिख दिया। ठीक है, अब देखो सिंस वी आर वर्किंग विद 100, सिंस वी आर वर्किंग विद 100 बेस, इट हैज 2 जीरोज ना, मतलब फर्स्ट ऑपरेशन के बाद, फर्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास 2 डिजिट होने चाहिए, जो है हमारे पास 56 है, हमने लिख दिया। नेक्स्ट लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो आंसर के 2 डिजिट्स आने चाहिए वो कैसे आ गया, समझ आ रहा है। अब हम लोग आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो आंसर के 2 डिजिट्स हैं, इट इज 85, कैसे, क्रॉस सब्ट्रैक्शन 92 - 7 और 93 - 8, इन बोथ केसेस यू विल गेट 85, 85 लिख दिया, 92 - 7 85, 93 - 8 85, एंड दिस इज योर आंसर 8556। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा है, अभी और आगे चलते हैं, अभी फिर यहाँ से 1000 10000 फिर अलग अलग बेस सब कुछ सीख पाएंगे, मतलब जितने भी मल्टीप्लीकेशन है आप निकलम से कर पाओगे, फिर और भी मेथड्स आएंगे आगे। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, अब जैसे यहाँ पे देखिए 91 × 88, अब दीज टू नंबर्स आर क्लोज टू 100, तो देखो सॉल्यूशन में भी हमने 100 दे दिया, 100 क्यों लिख दिया यहाँ तक समझ आ रहा है, बिकॉज दीज टू नंबर्स आर क्लोज टू दिस बेस। अब क्या था, डिफरेंस लिखना है, डेफिशिएंसी लिखनी है बिटवीन ऑप्टेड बेस एंड द गिवन नंबर, देन 100 - 88, 100 - 88 इट विल बी 12, जो हमने यहाँ पे लिख दिया, 91, 100 - 91 इट इज 9, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या था मेथड, जो डेफिशिएंसीज थी उनको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना था, तो 12 × 9 यू विल गेट 108, 12 × 9 कितना हो गया 108, तो 108 में हमने सिर्फ 08 लिखा, 1 क्यों बाहर रख दिया, 1 को क्यों कैरी कराया, मैंने पहले बताया था सिंस वी आर वर्किंग विद 100 विच हैज 2 जीरोज, अगर हम लोग 10 के बेस की बात करते तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट प्रोसेस फर्स्ट स्टेप हमारे को एक ही डिजिट फील करनी होती थी, एक, अगर 100 है तो 2 डिजिट चाहिए, 1000 है तो 3 होगा, आगे हम लोग वैसे लिखते जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। अब अगर यहां से देखें तो देखिए 08 1 को कैरी करा दिया, नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है, ये क्रॉस सबट्रैक्शन, चाहे आप 88 - 9 कर लीजिए या 91 - 12 कर दीजिए, इन बोथ केसेस यू विल गेट 79, कितना आएगा 79 और 1 कैरी हुआ है तो प्लस 1 कितना हो जाएगा 80, जो हमने लिख दिया, एंड दिस इज द आंसर जो इधर लिखा हुआ है। कर सकते फिर से कुछ एग्जांपल्स यहां पे सॉल्व किए हुए हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे क्या है 99 × 97, 100 के बेस पे काम करना है हमारे को, 91 और 100 के बीच का डिफरेंस 1,
197 के बीच का डिफरेंस 3, फर्स्ट स्टेप के बाद क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना मिलेगा 3। अब यहाँ से फिर से प्रॉब्लम आई कि भाई यहाँ पे अगर हमने बात की तो 3 आ गया, ठीक है, तो 3 आया और हमारे को जो बेस हमने लिया हुआ इट इज 100, मतलब फर्स्ट स्टेप के कंप्लीट होने के बाद हमारे पास दो डिजिट्स होने चाहिए थे, एक ही था, तो दूसरी जगह पे 0 रखना है। बहुत सिंपल मेथड है, कोई परेशानी है नहीं, आप बस एक बार देखते जाएंगे आपको समझ आ जाएगा। मैं सारे स्टेप्स जितने भी सूत्रास हैं वो हर एक चीज सिखा दूंगा मैं इस कोर्स के अंदर, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्रॉस सब्ट्रैक्शन, 99-3, 97-1, दोनों तरीके से आपको क्या मिलता है 96 जो हमने लिख दिया। तो देखना यहाँ पे जैसे डिफरेंस क्या था, 100 का बेस ऑप्ट किया, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों डिफिशियंसीज को मल्टीप्लाई करने के बाद 108 मिल रहा था, जिसमें 3 डिजिट्स थे, बट हमारे ऑप्टेड बेस में सिर्फ 2 डिजिट है, 2 जीरो है, इसलिए हमें 2 ही लिखना है था, तो एक एक्स्ट्रा मैंने कैरी करा है। बट इन दिस सिचुएशन यहाँ पे हमें फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद एक ही डिजिट मिला था, तो हमने 0 रख दिया और फाइनली आंसर मिल गया। दिस इज द आंसर, 99 × 97 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9603। इस एग्जाम्पल पे फिर से आते हैं, 98 × 93, 100 का बेस और 98 का डिफरेंस, अगेन 2, 100 का बेस एंड 99 का डिफरेंस 1, तो अब ये वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, 2 × 1, 2, अगेन वी आर गेटिंग ओनली 1 डिजिट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट स्टेप, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 पुट करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया हुआ है। देन नेक्स्ट स्टेप क्रॉस सब्ट्रैक्शन मतलब 98-1 करिए या फिर 99-2 करिए, दोनों तरीके से आपको 97 मिलता है, एंड दिस वुड बी द आंसर, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास जैसा है 56 × 98, अब देखो 56 × 98, अब इसमें एक बात आएगी कि भाई यहाँ पे क्या किया जाए, तो हम लोग ऐसा करेंगे 98 100 के क्लोज है, तो 100 बेस हमने ऑप्ट कर लिया, तो 100 बेस ऑप्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, 56 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 44, हमने लिख दिया 44। 98 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2। नाउ These two are the deficiencies. अब क्या करना होता है, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, तो 44 × 2 कितना आएगा, 88। अब 100 के बेस में कर रहे हैं तो एक पहले स्टेप को कंप्लीट करने के बाद 2 ही डिजिट भरने चाहिए, तो ग्रीन वाला बॉक्स कंप्लीट हो गया हमारा। देन क्रॉस सब्ट्रैक्शन, जैसा मैंने पहले बताया हुआ है, 56-2 और 98-44, इन बोथ केसेस यू विल गेट द सेम रिजल्ट एंड दैट इज 44 इन दिस केस, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4488, अगर हम लोग 56 × 98 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जैसे आपके मन में बहुत सारे डाउट्स भी होंगे कि अगर भाई साहब 56 × 58 होता तो हम लोग क्या करते ना, इसको 5 × 10 के बेस पे ले जाते, जो आगे सीखते जाएंगे हम लोग, अभी 1000 के बेस पे, 10,000 के बेस पे, स्क्वेयरिंग, हर एक चीज़ समझ आएगा, और ये सभी एक स्पेसिफिक टेक्निक जैसा अभी लग रहा है आपको, लेकिन जैसे ये कंप्लीट होगा ये आपको जनरल टेक्निक लगने लग जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए उर्दू तरीक है, बहुत सारे वो जो फॉर्मूले हैं आगे आके हम लोग सीखते जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। तो इसके साथ ही असाइनमेंट्स भी हैं, आप ये साथ में इंस्ट्रक्शन जरूर देख लीजिएगा कि कैसे करना है। आई होप आप सबको समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा ये जो हमने फ्री कोर्स शुरू किया हुआ है। तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको अच्छा लगा है, आपको समझ आता है, आप इसको शेयर जरूर करिए। डाउट्स के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इमीडिएटली मैं रिप्लाई ना करूं, रिस्पॉन्ड ना करूं, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने हैं, तो आप इस नंबर पे आ सकते हैं। फेसबुक में इजी लेक्चर टाइप करेगा तो पेज है हमारा, वहाँ पे ज़रूर लाइक कर दीजिए या फिर फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स हैं, अपडेट्स के आप कनेक्टेड हों,